गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो किड्स, हाउ आर यू। मैं एक बार फिर से आपका दोस्त सोमेन घोष माय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम से आपके सामने आज मैं एक फोल्डिंग स्टार काइट बनाने जा रहा हूँ। फोल्डिंग स्टार काइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पिछली बार हमने ड्रोन काइट बनाया था, जो अभी आपने देखा ऊपर, वो एक रॉड पे बंधा हुआ था। हाँ, और उसको हमने बनाने से पहले हमने इस तरह से फरमे बनाए थे, एक बाजार का पतंग लेकर के इस तरह से फरमा काटा था, और फिर उसके बाद हमने इस तरह से प्लास्टिक काटी थी। ठीक है, वो आपने, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, ड्रोन काइट माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष। आप इस पे गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरह से इसका फरमा बनाया गया था। आज हम उससे आगे से शुरू करते हैं। बच्चों, हमने इस तरह से एक जैसे पतंग के शेप का हमने कटिंग करी है, और आपको मालूम ही है कि पिछली बार भी हमने इसी तरह से कटिंग करी थी। तो बच्चों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, फिर सबसे पहले आप इस तरह से आप एक वो लीजिएगा, और आप छोटे छोटे टेप्स लेकर के इस तरह से टेप्स लेकर के आप इस पतंग को टेबल पे चिपका देंगे, जैसे हमने पिछली बार भी चिपकाया था, शायद आपको याद है जिन्होंने वीडियो देखा था, और जिन्होंने नहीं देखा है वो ड्रोन काइट माय आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष, ये आप यूट्यूब में सर्च करके या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले बच्चों आपने टेबल पे इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद मैं अब आपको स्टार काटने का तरीका सिखाता हूँ कि स्टार को कैसे काटा जाएगा। इस तरह से एक आपने पेपर लेना है 15 इंच बाई 15 इंच, ठीक है, उसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है, अगेन इस तरह से फोल्ड करना है, अगेन इस तरह से फोल्ड करना है, ये सॉफ्टी की तरह। इस तरह से जब आप फोल्ड कर लेंगे, पिछली बार जब हमने स्टार बनाया था तो बच्चों वो हमने 4 प्लाई का बनाया था, इस बार हम स्टार बनाएंगे 8 प्लाई का। बच्चों, आपने इस तरह से कटिंग करनी है स्टार के लिए, इसमें से 4 जो इसके प्लाई रहेंगे वो छोटे रहेंगे, और जो 4 रहेंगे वो बड़े रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको, इसकी कटिंग को ठीक से देखिए, इसकी कटिंग कैसे हो रही है। बच्चों, पूरे वर्ल्ड में कुल 195 कंट्रीज हैं, और जिसमें से तकरीबन सारे ही कंट्रीज में पतंग उड़ाए जाते हैं, जिसमें से जापान, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, तकरीबन सारे, स्पेन, सारे ही कंट्रीज में पतंग उड़ाए जाते हैं। बच्चों, इस तरह से आपने एक स्टार बनाना है, और वो स्टार को आपने इस तरह से इस पर पतंग जो आपने टेबल पर लगा रखा है इस पर चिपकाना है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टेप्स लेकर के एक यहां पे आप चिपका दें, एक आप यहां पे चिपका दें, एक इस तरह से चिपका दीजिए, बच्चों इंडिया में भी सभी जगह सारे स्टेट्स के अंदर पतंग उड़ाई जाती है, जिसमें से गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, और आपका मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, सभी जगह, आंध्र प्रदेश, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बच्चों जहाँ पे पतंग नहीं उड़ाई जाती हो, सभी जगह पतंग उड़ाई जाती है। ये जो हम आज फोल्डिंग स्टार काइट बनाने जा रहे हैं, ये फोल्डिंग स्टार काइट है बच्चों, इसको आप कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ मोटरसाइकिल पे कहीं आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये फोल्डिंग है, चारों तरफ से ये फोल्ड हो जाएगा। अब आपने इसका नीचे का हिस्सा काटना है,
अब हम इसका एक जो है पूंछ लगा देते हैं। पूंछ किस तरह से लगाना है वो भी आप देख लीजिए। आपने जो टेबल पे इसको चिपका रखा है उसको आपने उठा लेना है और इस टेप को आपने खोल देना है जो जिस टेप को आपने चिपकाया था। बच्चों इस तरह से आपने एक पेपर लेना है, पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसकी आपने कटिंग करनी है। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे आप। फोल्ड करने के बाद एक बार कटिंग और करनी है। अब स्टार के इस हिस्से को हमने यहां पे इसको लगाना है। किस तरह से लगाना वो भी आप देख लीजिए। ये जो आपने यहाँ वाला हिस्सा लगाया था इसको आपने खोल लेना है। खोल करके इसको इसके नीचे लेके जाना है और इसको इस तरह से लगाना है। इसको हम थोड़ा सा दूसरा बना लेते हैं। एक डिजाइनर स्टार लगा देते हैं यहाँ पे बच्चों। इस तरह से एक पेपर ले लीजिए, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। वो जो हम स्टार बनाने जा रहे थे वो इस पतंग के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम दूसरा एक स्टार लगा देते हैं। इस तरह से इस हिस्से को आप काट दीजिए। काटने के बाद एक फोल्ड और कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये क्राउन का शेप का निकला है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा स्टार आपको मिल जाएगा। उस स्टार को लेकर के आपने यहाँ पे लगाना है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे लगाना है। अब इसके नीचे हम इसका पूंछ लगा देते हैं। इसका पूंछ ऐसा लगेगा, एक 4 इंच बाई 4 इंच का पेपर लेना है। पेपर को आपने इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद इसको आपने इसके नीचे डालना है, इस तरह से रख करके। आपने इसके इस हिस्से को यहाँ पे चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपने
इसको एक फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो आपने एक बार यहां से और चिपका देना है, फिर इसके इस हिस्से में आपने इस तरह से टेप और लगा देना है, इधर से भी आपने टेप लगा देना है। बच्चों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पतंग बनाने का तरीका पसंद आए, तो इसको आप जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब इसको बच्चों हम यहाँ पे कॉर्नर में भी एक डिजाइन लगा देते हैं। इस तरह से आपने इक्वल डिस्टेंस देख लेना है, इक्वल डिस्टेंस देख करके आपने यहाँ पे भी टेप लगाना है, एक टेप इधर भी लगा दीजिए। एक टेप आप यहाँ पे भी लगा दीजिए, ठीक है बच्चों, बाकी इसको आपने अपने आप ही कवरिंग करना है। अच्छा अब हम इस पतंग को टेबल पे खोल लेते हैं, क्योंकि अब हमारे को इसके उस तरफ काम करना है। ये जो हमने टेबल पे इसको चिपका रखा था, अब इसके हमने पूंछ के इस हिस्से को हमने जोड़ना है। यहाँ पे दो आपने क्या करना है, दो यहाँ पे तीली रख देना है, ताकि इसका पूंछ जो है स्टेबल रहे। अगर आप यहाँ पे तीली नहीं रखेंगे तो इसका पूंछ जो है इधर उधर घूमता फिरेगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने तीली रख दिए देना है, और फिर इसको भी हमने इधर से कवर कर देना है। यहाँ से भी कवर कर देना अपने बच्चों, साइड से जैसा उधर किया था ठीक उसी तरह से इधर से भी कर देना है। अच्छा जब ये पतंग बच्चे आप बनाएंगे, आप लोग जब अपने घरों पे ये पतंग बनाएंगे, तो आपने सिर्फ संडे वाले दिन ही बनाना है इसको, बाकी पढ़ाई का टाइम को आपने खराब नहीं करना है। और आपने या तो समर वेकेशन जब आएगा, गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, तब बनाना है बच्चों। अब बच्चों इसके ऊपर हमारे को इसका फोल्डिंग सिस्टम लगाना है। उस फोल्डिंग सिस्टम को कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा बच्चों, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की तिलियां बाजार में मिल जाती है आजकल, प्लास्टिक की तिलियां ही स्टेशनरी शॉप में मिल जाती है, सिर्फ एक एक रुपए की है। अगर आपको स्टेशनरी शॉप पर नहीं मिलता, आप किसी भी गुब्बारे वाले से ले सकते हैं। ये देखिए गुब्बारे के नीचे भी यही तिली लगी हुई है, गुब्बारे बेचने वाले भी इसको तिली को यूज़ करते हैं, आप उनसे भी मांग सकते हैं, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस तरह से जो पेन आपके घर पर ख़राब हो जाते हैं उसके ये तरह के कैप और उसके
जो रिफिल आप फेंक देते हैं, रिफिल फेंकने के बाद जो है जो ये पतंगों के काम आ जाएगा आपका कैप वगैरह जो है। अब इसमें बच्चों आपने 1 इंच चौड़ी टेप लेनी है और टेप लेकर के आपने इसको इस तरह से लगाना है, ये टेप को यहाँ पे रखना है और टेप को रखने के बाद जो खुला हिस्सा है ये पेन में से काट के हमने बनाया हुआ है, उस हिस्से को आपने इस पतंग के यहाँ पे कोने पे रख देना है और इसको इस तरह से माउंट कर देना है। फिर एक टेप और लेना है ताकि ये मजबूत रहे, इधर से भी आपने माउंट कर देना है। ठीक है बच्चों, ये इस तरफ का हो गया। अब ठीक इसी तरह से आपने उस तरफ का भी करना है। ये हम फोल्डिंग काइट बना रहे हैं तो इसलिए इसका होना जरूरी है। इस पतंग को बच्चों आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे कई बार आप अपने साथ बैडमिंटन ले जाते हैं, बैडमिंटन के रैकेट्स ले जाते हैं, उसी तरह से आप कहीं पे भी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो पतंग ले जा सकते हैं। और पतंग ले जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि वो जब आप स्कूटर मोटरसाइकिल में इसको लेके जाते हैं तो हवा से वो फट जाती है, लेकिन इस पतंग में बच्चों आपको ये फ़ायदा है कि इस पतंग को आप अपने पॉकेट में रख करके लेके जा सकते हैं। अब इसमें हमारे को जो इस तरफ का जो लगाने का है उसको भी लगाना है, इसी तरह से अपने हॉलो वाला हिस्सा जो है यहाँ पे रखना है, मोटा टेप लेना है, टेप लेकर के अपने पतंग का जो ये हिस्सा है इसको उठाना है और इस तरह से अपनी इस कैप को लगा देना है। कैप को इस तरह से लगा देना है बच्चों। लगाने के बाद जो है आप यहाँ से भी एक टेप लगा दीजिए ताकि ये पक्का हो जाए और ये खुले नहीं। अब कितनी भी तेज हवा होगी बच्चों ये कैप खुलेगा नहीं। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से इधर का भी आपने कैप लगाना है, इधर के लिए भी एक कैप ले लीजिए आप। ये सब बच्चों पेन से, जो पेंसिल हमारी ख़राब हो गई है ये देखिए, ये सब खराब हो गई है, इनके रिफिल्स खराब हो गए हैं, सूख गए हैं। तो अब हम इसको इस तरह से यहाँ से काट लेते हैं, काट करके ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। कोई भी चीज़ बच्चों वेस्ट नहीं जाता, सब चीज़ काम आता है। और इन पतंग को बनाने के लिए आप जो है सबसे पहले आप अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उसको भी काट के आप बना सकते हो। और प्रैक्टिस आप उसी में करोगे तो आपके पैसे नहीं खराब होंगे बच्चों। और ये पतंग बहुत सस्ता बन जाता है, मुश्किल से 8 से 10 रुपए के बीच में बच्चों ये पतंग बन जाता है। और जबकि आप बाजार से पतंग लेने जाते हो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। अब कवर करने के बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी डंडी लगानी है। तो डंडी लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से एक और वो ले लीजिए और इसको आपने इस तरह से पहना देना है। इस तरह से पहना करके इसको आप बीच में ही छोड़ दीजिए, इस तरह से पहन जाएगा ये। इसको ऐसे ही आपने इस तरह से लगा दीजिए। लगाने के बाद क्या करिए, आप इसको ऐसे करके मोड़ करके, थोड़ी सी डंडी बड़ी हो गई है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ से काट सकते हैं। ये प्लास्टिक के डंडी का ही फायदा है, आप काट दीजिए और काट करके फिर इसको इसके अंदर डाल दीजिए। अभी भी बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बैठ जाएगा। अब इसका ये दूसरे वाला हिस्सा लीजिए, दूसरे वाले हिस्से के अंदर भी आप इस तरह से जो पेन से आपने खराब पेनों में से आपने ये जो काटे हुए हैं इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए। एक पीस और डाल दीजिए इसके अंदर ऐसे करके। ये फोल्डिंग काइट बनाते टाइम इसको करना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि अब इसको आप इस तीली को आप इसके अंदर डाल दीजिए, ये बहुत प्यार से डल जाएगा इसके अंदर। ये देखिए बच्चों आपका पतंग तैयार, ऑलमोस्ट तैयार। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका बीच का इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए, इसको आगे कर लीजिए क्योंकि आप यहाँ पे कन्ना बांधेंगे। बच्चों आपने एक टेप लेना है, टेप लेकर के आपने इसके ऊपर रखना है इसको, इसको रख करके इस तरह से टेप से आपने इसको लगा देना है। और जो टेप का जो लेग का हिस्सा है उसको भी आपने कवर करना है ताकि ये पतंग जब तेज हवा में उड़े
अगर 25-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हवा चलेगी तो उसमें भी ये पतंग उड़ जाएगी। बच्चों फिर इसी तरह से अब आपने क्या करना है, इस तरफ आइए, इसको आप स्लिप करके यहाँ पे लेकर के आइए, और लाने के बाद जो क्या है, एक हिस्सा अपने टेप का पतंग के साथ लगा दीजिए और एक हिस्सा जो है आप इसको आप यहाँ पे ऐसे माउंट कर दीजिए। ठीक इसी तरह से बच्चों आप इसको भी इधर यहाँ पे लेकर के आइए और इसको भी आप यहाँ पे टेप का एक हिस्सा यहाँ पे लगा दीजिए, और लगाने के बाद इसको आप इस तरह से ऊपर रख दीजिए, रखने के बाद इसको आप इस तरह से माउंट कर दीजिए। बच्चों ये पतंग आपकी तैयार हो गई है, ये देखिए बच्चों इस तरह से। और जो बाकी इसमें जो आपने खुद ही अपने आप गोंद वगैरह या टेप से कवरिंग करनी है, आपको ये मेरी पतंग कैसी लगी आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप मेरा जो ड्रोन काइट है अगर आप उसको देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तो उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस तरह से पतंग की जो है फरमे तैयार किए जाते हैं। तो वो ड्रोन काइट आप YouTube में जा कर के चेक कर सकते हैं, ड्रोन काइट माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष, ड्रोन काइट माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष, आप उसमें टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा मैं इस पतंग को देखिए फिर से डिसमेंटल कर देता हूँ, किस तरह से करना है आपने डिसमेंटल इसको, ये देखिए बच्चों, ये इस तरह से तीली को हटा दीजिए, इस तरह से तीली को हटा दीजिए, तीली यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, और तीली बाहर निकालने के बाद ऐसे साइड में रख दीजिए। अब इस तीली को भी आप ऐसे करिए, पतंग को इस तरह से आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए तीली को हल्के से, और इसको निकाल लीजिए, और इसको भी निकाल लीजिए आप इस तरह से। ये तीली आप अपने साथ में रखिए, इसको आप इस तरह से फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे करिए, एक और फोल्ड कर दीजिए, एक और फोल्ड कर दीजिए, और इसको ऐसे करिए, और यहाँ पे आप इसको डालिए, ये आप अपने हाथ में पकड़िए, और आप अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक करने चले जाइए। वहाँ पे पहुँचने के बाद इसको बाहर निकालिए, निकालने के बाद इसको फिर से ऐसे करिए, ऐसे करने के बाद आपने फिर इसी तरह से जैसे इसको लगाया था इस तरह से बीज वाले में इस तरह से तीली आगे ले जाइए, और आगे ले जा कर के आपने इस तरह से वो करिए, और थोड़ा सा तीली को आप इस तरह से पकड़ करके ऐसे बैठा दीजिए। हल्की सी तीली बड़ी है, अगर आप इसको अपने घर पे जब बनाएंगे आप अपने हिसाब से बनाएंगे, थोड़ा सा और काट दीजिएगा, 1-2 सूत 1 mm तक आप काट देंगे तो भी ये बैठ जाएगा। फिर इसको आप इस तरह से घुसा दीजिए, ऐसे घुसाने के बाद इसके इस हिस्से को घुसा दीजिए, इसके इस हिस्से को आप फिर ऐसे करिए, फिर आपकी पतंग फिर से तैयार हो गई है। बच्चों ये पतंग आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया, और आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, इसको आपने करना है माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष, और इसमें आप जाकर के देखेंगे, और इस पतंग का नाम है स्टार काइट। आपको अगर पसंद आया तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।